एपिसोड की स्टार्टिंग में नाइन को ड्रंक देखते हैं और हमेशा की तरह यदि उसका केयर करता है। पेंग के हाथ से कुछ गिर जाती है, तभी वो लड़का स्माइल करके उसे वो देता है। पेंग उसे थैंक्स कहती है। लड़का कहता है, क्या आप यहाँ एलोन है? प्लीज सावधान रहिए, यहाँ आसपास बहुत सारे शराबी है, ध्यान से। पेंग कहती है, मैं टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। वो लड़का कहता है, यहाँ आसपास बहुत सारी टैक्सी नहीं है, मैं टैक्सी लेने जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। पेंग कहती है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। तभी वो लड़का कहता है, अच्छा लगता है आपके पास बहुत सारे जॉक्स है, मैं काफी समय से बात कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी तक आपका नाम नहीं जानता, मैं बॉल हूँ। तभी पेंग भी अपना नाम बताती है। बॉल पेंग को टैक्सी में बिठाने के बाद उसके कॉन्टेक्ट नंबर मांगकर कहता है, ऐसे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। पेंग के जाने के बाद वो अजीब मुस्कान देते हुए कहता है, हम बाद में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट हम सथा और नाथ को पाप में देखते हैं। सथा उसे पूछता है, नाथ क्या आप अभी जा रहे हैं? आज मेरा शो देखने आने के लिए थैंक्स। नाथ कहता है, मैं अभी फ्री हूँ तो मेरे दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया। यहाँ सथा उसे कहता है, ओ डियर, पहले तो मुझे खुशी हुई, मुझे लगा कि आप यहाँ मेरा नया गाना सुनने आए हैं। नाथ कहता है, मैंने बहुत सारी लड़कियों को चिल्लाते हुए देखा है, मुझे लगता है कि आपको यह निश्चित रूप से पसंद आएगा। तभी एक्सीडेंटली नाथ उसके करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच आई कॉन्टेक्ट होते हैं। तथा उसे कहता है, तुम बहुत करीब हो। नाथ कहता है, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है। तथा कहता है, मुझे पता है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट ला ननन को फ्लर्ट करते हुए हम देखते हैं, लेकिन ननन उसे इग्नोर करता है। यदि नाथ से मिलने के लिए आते हैं, नाथ पूछता है, नाइन कहाँ है? यदि उसे कहता है, उसे हैंगओवर हो जाता है, लगता है वो नहीं आ सका। नाथ कहता है, आप उसे वार्निंग क्यों नहीं देते? मुझे लगता है कि वो हाल ही में पाप में बहुत ज्यादा जाता है। यदि कहता है, तुम्हें लगता है कि मैंने उसे वार्निंग नहीं दी? मैंने उसे कई बार वार्निंग दी है, जब वो शराब पीने जाता है तो उसकी देखभाल हमेशा मुझे ही करनी पड़ती है। नाथ कहता है, तुम्हें उसके देखभाल क्यों करनी है? तुम उसकी वाइफ नहीं हो, तुम हमेशा उसे क्यों प्रोटेक्ट करते हो? जेथी कहता है, इतना ही, मुझे ऐसा क्यों करना है? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मुझे पता है वो मेरा दोस्त है बस, और कुछ नहीं। केवल उसकी ही नहीं, जिसकी मुझे चिंता है, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। नाथ कहता है, हो सकता है कि आप बस उसे वार्निंग देने का ट्राई करते हैं, मुझे अभी जाना है, तुम उसे वार्निंग देना कि नेक्स्ट आप में जाकर ड्रिंक ना करे। जेदी उसे पीछे से कहता है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी क्लास है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, साथा कॉफी पीते हुए स्टडी कर रहे होते हैं। फिर नाथ वही कॉफी उसे पीने के लिए देते हैं। यहाँ साथा उसे कहता है, मैं आज के लिए पहले से ही बहुत पी रहा हूँ। नाथ कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत सारी पीने वाले हैं। साथा कहता है, ठीक है, मैं दिन भर इसे पी सकता हूँ, क्या तुम इसे हर दिन पी सकते हो? नाथ कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? साथा कहता है, तुम गुड बॉय हो। नाथ कहता है, आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? साथा कहता है, कुछ भी नहीं। नाथ कहता है, तुम्हें मिल्क टी क्यों पसंद है? साथा पूछता है, तुम्हें यह क्यों पसंद है? नाथ कहता है, मिल्क टी टेस्टी है, यही कारण है कि मुझे यह पसंद है। ऐसे वो और भी ज्यादा एक्सप्लेन करता है। यहाँ साथा उसे कहता है, बहुत हो गया, इसे छोड़ो, तुम्हें हर चीज को ऐसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था और मैंने तुमसे यह भी कहा था, जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तभी नाथ मुस्कुराते हैं। तभी साधा उसे कहता है, हाँ इस तरह मुस्कुराओ, इसी तरह तुम मुस्कुराते हो। तभी साधा एक गे कपल को दिखाते हुए नाथ से पूछता है, उसे क्यों पसंद करे? नाथ कहता है, लगता है कि प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। साधा कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है? नाथ पूछता है, तो क्या तुम्हें पहले कभी प्यार नहीं हुआ है? नेक्स्ट नाथ और साथा को ट्यूटरिंग क्लास में देखते हैं। यहाँ नाथ साथा के एयर को देखकर कुछ करा होता है और सभी उन दोनों को देख रहे होते हैं। नाथ सभी को ऐसे देखते हुए कहता है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। साथा कहता है, मेरे फेस पर कुछ गड़बड़ है। लेट नाथ से कहता है, मुझसे ये मत कहना कि साथा भी हमारे साथ है। फिर वो साथा से कहता है, मुझे लगता है तुम जरूर इस सब्जेक्ट में पहले ही पास हो। साथा कहता है, अरे मैं तो बस अंकुल को पढ़ाने में मदद करता हूँ, आई मीन नाथ को पढ़ाने में मदद करता हूँ, है ना नाथ? बताओ सभी को। नाथ कहता है, हाँ मुझे लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट में भूल गया हूँ, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। वहाँ बॉय और टी साथा और नाथ को सुपके से देख रहे होते हैं। एक्चुअली बॉय और टी एनिमी है। हम एक फ्लैशबैक देखते है जहाँ बॉय और टी जूनियर दो स्टूडेंट को बेवजह डांटा होता है। जूनियर उन दोनों से सॉरी बोलता है, फिर भी वो उनके मजाक उड़ाता है। यहाँ साथा जूनियर
जूनियर से लाइटली बात करते हुए उन दोनों को जाने के लिए कहता है और यहाँ टी और बॉय को रूट होकर ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी बॉय सदा से कहता है, तुम्हें हमारे बीच बोलने को किसने कहा, ऐसे कहकर उसके कलर पकड़ लेता है। तभी टीचर वहाँ आ जाती है। यही फ्लैशबैक खत्म होता है। क्लास के बीच नाथ उन सभी से कहता है, मैं मिल्क टी लेकर आता हूँ, ऐसे कहकर वो चला जाता है। और सथा भी पीछे पीछे जाते है। सथा कहता है, तुम जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए रुक जाओ। नाथ कहता है, मैं तुम्हें लाइब्रेरी में वेट करने के लिए कहा था। सथा कहता है, क्या आप चाहते है मैं ऐसा स्टूपिड बनूं, वहाँ मुझे अकेला छोड़कर तुम भाग रहे हो। लेकिन नाथ वहाँ से जाता है। सथा कहता है, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ, ऐसे कहकर वो भागते हुए आते है। तभी वो गिर जाता है। नेक्स्ट उन दोनों को स्टेप पर बैठे हुए देखते है। नाथ उसके पैर को देखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम्हें चोट लगी है। तभी सथा उसे कहता है, तुम्हारे कारण मेरे चोट लगी है, अभी इसके जिम्मेदारी लो। तभी नाथ उसके दो पैर पर हाथ रखता है, मतलब ऐसे। सथा उसे कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। नाथ पूछता है, आप चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूँ। सथा कहता है, हाँ पर ऐसे नहीं। तभी नाथ कहता है, मुझे अपना पैर दो। सथा कहता है, कठिन स्थिति आजमाना चाहते है। तभी नाथ उसके ओर देखते हुए उसे पूछता है, तुम क्या सोच रहे थे, मैं तुम्हें मलम लगा देता हूँ, ऐसे कहकर उसके चोट पर मलम लगाता है। और सथा मुस्कुराते हुए उसके ओर दिख रहा होता है। नेक्स्ट हम उन दोनों को ही देखते हैं, जहाँ सथा नाथ के सहारे चलता है। नेक्स्ट उन तीनों को साथ कैफे एरिया में देखते है। यहाँ ले नाथ के बारे में सोचता है और बहुत चिंतित दिखाई देता है। वो नाथ को सथा के साथ देखकर उसके बारे में ही सोचता है। उसे ऐसे सथा के साथ देखकर बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। यहाँ लड़की उसे पूछती है, लेट क्या तुम ठीक हो। लेट कहता है, हेलो दोस्तों, क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, यदि आप किसी के साथ फ्लर्ट करने जा रहे हैं तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तभी सेठ उसे कहता है, अकेले खाना खाना, मूवी देखने जाना, बस ऐसे ही। तभी और एक लड़का लड़की के पास जाकर लेट को दिखाते है कि कैसे फ्लर्ट करना है, लेकिन उन दोनों की तो में कोई सेंस नहीं है। तभी लड़की लेट से कहती है, मैं उस पर बहुत ध्यान दूंगा, जानूंगा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, जैसे कि वो दोनों। ऐसे कहकर वो एक कपल की ओर इशारा करती है। लेट कहता है, वे बहुत खुश लग रहे हैं, क्या इसे प्यार कहता है। तो मैं अभी प्यार में हूँ। जब वो मुझ पर मुस्कुराता है, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखते है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ही होता है जो मेरे साथ खड़ा होता है। वही कारण है कि मैं क्लास में आना चाहता हूँ, मैं हर बार खुश हूँ जब मैं उसका चेहरा देखा। ऐसे कहकर वो अपने दोस्तों के ओर देखता है, जो कि उसे अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लासरूम की सीन देखते हैं, जहाँ ड्रेनी जदी के किए हुए बातों के बारे में सोच रही होती है कि मैं सथा को नाथ के सहारे जाते हुए देखा, क्या उसका पैर टूट गया है, वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, मुझे उन दोनों को साथ देखकर कुछ और ही लगा, शायद वो गे है। यहाँ ड्रेनी सथा से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने वाली लड़की तुम्हारे टाइप की है। सथा उस लड़की को देखने के बाद कहता है, नहीं यह मेरे टाइप का नहीं है। ड्रेनी पूछती है, तो तुम्हारे टाइप का कौन है, लेकिन सथा उस नहीं कहता। तभी ड्रेनी उसके पैर ठीक है या नहीं यह देखने के लिए अपना पेन नीचे गिरा देती है और उसे लाने के लिए कहती है। और यहाँ सथा आसानी से पेन ले आता है, मतलब वो बिल्कुल ठीक है। यह देखकर ड्रेनी को यह समझ आ गई कि वो गे है। नेक्स्ट पब की सीन देखते हैं, सथा वहाँ सॉन्ग गाता है। गाने के बाद वो कहता है, कैप के लिए आज का दिन खास है, हैप्पी बर्थडे कैप, ऐसे विशेष दिन पर मेरे पास आपके लिए एक विशेष सॉन्ग है। ऐसे कहकर वो फिर से सॉन्ग गाता है। एक्चुअली कैप क्लासमेट है। यहाँ टी और बॉय अपने दोस्तों के साथ वही होते है। यहाँ बॉय गुस्सा हो जाता है क्योंकि कैप उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे लगा सथा कैप पर क्रश है, क्योंकि पहले भी सथा ऐसे ही बॉय की गर्लफ्रेंड पर क्रश थे, इसलिए वो टी को सथा को मारने के लिए ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में टी सथा को मारते हुए हम देखते हैं और उसे कहता है, तुम्हें दूसरों की गर्लफ्रेंड चुरा लेना बहुत पसंद है ना, पीछे चुरा घोपने वाला, ऐसे कहकर उसे फिर से मारता है। तभी वहाँ नाथ आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। सो गाइस, यही पर एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।